सो गाइस, इस वीडियो में हम Xiaomi और OnePlus के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे, जिसमें Xiaomi के लेटेस्ट रिलीज स्मार्टफोन Mi 10T Pro और OnePlus के 8T Pro होने वाले हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन सेम प्राइस रेंज में लॉन्च हुए हैं और दोनों ही अपने अपने कंपनीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन हैं। सो विदाउट टेकिंग टाइम, लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। डिस्प्ले की अगर बात करें तो OnePlus 8T में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जहां 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और HDR10 का सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं Xiaomi Mi 10T स्मार्टफोन की, तो यहां 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि IPS स्क्रीन है, लेकिन यहां 144 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और यहां भी HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में मुझे OnePlus 8T ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले ज़्यादा पंची कलर प्रोड्यूस करती है और कम बैटरी यूज़ करती है, अगर IPS LCD स्क्रीन से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट देखने को मिलता है, जिसके साथ 5GB का सपोर्ट होगा। यहाँ Mi 10T Pro में 8GB रैम मिलेगी, जहाँ सपोर्ट होगा LPDDR5 रैम का। वहीं OnePlus 8T में 8GB और 12GB रैम मिलेगा और LPDDR4X रैम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जहाँ दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे, जो कि UFS 3.1 स्टोरेज होने वाली है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी कमाल के हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी परफॉर्मेंस वाइज। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इनकी बैटरी के बारे में। तो OnePlus 8T में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और इसी के साथ 65W का फास्ट चार्जर मिलेगा। वहीं Mi 10T Pro में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन यहाँ 33W का चार्जर देखने को मिलता है। हालांकि बैटरी थोड़ी बड़ी है Mi 10T Pro में, लेकिन बैटरी बैकअप सेम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ IPS LCD स्क्रीन है और 144 हर्ज का रिफ्रेश रेट भी दी गई है, लेकिन OnePlus में 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि प्लस पॉइंट है OnePlus के लिए। तो यहाँ मैं क्लियर विनर OnePlus 8T को ही बोलूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कैमरा सेटअप के बारे में। तो OnePlus 8T में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, जो कि सोनी IMX586 सेंसर है, और यहाँ सेंसर OnePlus के स्मार्टफोन में 2-3 साल से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ OIS का सपोर्ट दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट्स के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलता है। वहीं बात करते हैं Mi 10T Pro की, तो यहाँ 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलेगा, इसी के साथ 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट्स के लिए दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन में भी आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो OnePlus 8T में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, वहीं Mi 10T Pro में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो नंबर्स के मामले में Mi 10T Pro आगे दिख रहा है, लेकिन हम सभी को पता है जहां मेगापिक्सल के कैमरे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ओरिजिनल पिक्चर क्वालिटी में, बट स्टिल यहाँ विनर Mi 10T Pro है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो OnePlus 8T में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वहीं Mi 10T Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एक और बेनिफिट जो OnePlus के स्मार्टफोन में मिलता है वो है ऑक्सीजन OS। यहाँ ऑक्सीजन OS 11 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल के एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। वहीं Xiaomi के स्मार्टफोन में MIUI 12 देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में विनर OnePlus को मानती हूँ। तो अगर आपको एक फुल पैकेज वाला स्मार्टफोन चाहिए तो OnePlus 8T के तरफ जा सकते हैं, जो कि 43,000 के प्राइस में अवेलेबल हैं। वहीं अगर कैमरा को छोड़ दें तो हर मामले में Mi 10T Pro पीछे है। तो मेरे तरफ से क्लियर विनर निकल कर आता है OnePlus 8T। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, stay healthy, and be upgraded with us.